पेट्रोल इंजन की वर्किंग को डिटेल में समझा था। आज के वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये वीडियो जरूर देख लें। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज के वीडियो में हम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बीच कंपैरिजन देखेंगे। मैंने डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में पिछले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए आज हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक डिफरेंस तो यही है कि डीजल इंजन डीजल साइकिल पर काम करता है, जबकि पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पर। इसलिए पेट्रोल इंजन को ऑटो इंजन भी कहते हैं। दूसरा यह कि डीजल इंजन कांस्टेंट प्रेशर साइकिल पर कार्य करते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पर कार्य करते हैं। अगर आप इन साइकिल की डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा वीडियो डीजल एंड पेट्रोल साइकिल देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरा डिफरेंस है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय केवल हवा का सक्शन होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय पेट्रोल और हवा के मिश्रण का सक्शन होता है। चौथा डिफरेंस है कि डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के लास्ट में फ्यूल इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे किया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में ही पेट्रोल का सक्शन हो जाता है। पांचवा डिफरेंस है कि डीजल इंजन में गर्म हवा पर डीजल की फुहार छोड़ने से स्वतः ही उसमें आग लग जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल के कंबशन के लिए स्पार्क प्लग का यूज होता है। इसलिए डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन या सेल्फ इग्निशन इंजन भी कहते हैं और पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। सातवां डिफरेंस है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो 14:1 से 22:1 होता है, जबकि पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो डीजल इंजन से कम 8:1 से 12:1 होता है। हाई कंप्रेशन रेशो के कारण ही डीजल इंजन हैवी बनाए जाते हैं और इनका टॉर्क भी अधिक होता है, जिससे डीजल इंजन हैवी व्हीकल्स में यूज होते हैं। पेट्रोल इंजन अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, जिससे लाइट व्हीकल्स एवं हाई स्पीड इंजन में यूज होते हैं। डीजल इंजन में हवा और डीजल की प्री मिक्सिंग नहीं होती, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व हवा को मिक्स करने के लिए कार्बोरेटर या आजकल MPFI का यूज होता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग में चिंगारी पैदा करने के लिए अलग से इग्निशन सिस्टम की जरूरत होती है, जबकि डीजल इंजन में अलग से कोई इग्निशन सिस्टम नहीं होते। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में। तो अब समय है आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का। अभी आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और वीडियो के लास्ट में दिए हुए आंसर से मैच करना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, हमारे चैनल यस आई कैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। Thank you.